गुड आई एमसी मित्रों, आप देख सकते हैं कि एक खेत में शुद्ध सरसों बोया गया है और सरसों का पौधा आप देख सकते हैं कि इसमें आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर का छिड़काव नहीं हो पाया, इसलिए ये सिंगल शाखा दे करके पौधा बड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे पौधे में नीचे से ऊपर तक एक ही शाखा निकली हुई है, इसमें किसी प्रकार का बूस्टर का छिड़काव नहीं हुआ है। उसी के सापेक्ष में मैं आपको उन्हीं के एक भाई जिन्होंने अपने खेत में मेड़ से मेड़ लगी हुई है और चने की खेती की है, जिसमें आईएमसी का एग्रो बूस्टर का छिड़काव किया है, आप देख सकते हैं कि इस चने के खेत में भी कहीं कहीं पर इसी सरसों का दाना पड़ जाने से सरसों भी इस खेत में उगा है और चने के साथ उसमें भी छिड़काव हो गया है। और आप देख सकते हैं कि एक पौधे से कितनी डालियां, कितनी शाखाएं और हुई हैं और ये भी पूरे तरीके से आप देख सकते हैं, एक पौधा नहीं बल्कि इसमें जो भी पौधे हैं सरसों के, उनके ग्रोथ को आप चने के ग्रोथ के साथ साथ उनको भी आप देख सकते हैं। यह है आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर का कमाल। मित्रों, चने की फसल भी बेहतरीन हो चुकी है, जो कि 40 दिन पहले मात्र पौधा 6 इंच का था, आज आप देख सकते हैं लगभग 1.5 फीट का पौधा हो चुका है और इस समय अब ये फूलना भी शुरू कर रहा है और ये फूलता भी जाएगा और भी बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा, तो निश्चित तौर पे इससे जो उपज मिलेगी वो बहुत ही अच्छी उपज मिलेगी। और सरसों की भी उपज आप देख सकते हैं कि जो भी एक दाना बीच में चने के साथ पड़ चुका था उसमें भी बूस्टर लगने से कई कई शाखाओं के साथ ये पौधा विकास कर रहा है, कई शाखाएं दी हैं, तो निश्चित तौर पे जब शाखाएं ज़्यादा होंगी, ज़्यादा फूल लगेंगे, ज़्यादा फल लगेंगे, तो उपज भी ज़्यादा अच्छी आएगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको दूसरा खेत दिखाया था, देखिए मैं वहीं से बैठ के आपको वो भी सरसों दिखाना चाहता हूँ जहाँ जिस खेत में शुद्ध सरसों बोया गया है और इसमें एग्रो बूस्टर आईएमसी का नहीं पड़ा है और वो सिर्फ और सिर्फ एक एक शाखाओं में पौधा बड़ा हुआ है और फूल फल रहा है, तो एक शाखा कितनी अच्छी उपज देगी जहाँ पे दूसरे खेत में बूस्टर लगा है और उसमें एक एक दाना चने के साथ पड़ा है और उसका ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं। तो मित्रों, अच्छी पैदावार, अच्छी उपज के लिए आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर अपनी फसल पर डलवाएं और खुशहाल जिंदगी पाएं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, गुड आईएमसी।